सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। अभी मजा आया ना? दोबारा ऐसा किया ना तो मिर्ची की बुक्की डाल दूंगी तेरी आंख में। मैं पता भी नहीं है, ढीठ हो गया एकदम। न इससे मार का असर पड़ता है न किसी चीज का, पता नहीं किस मिट्टी का बना है, जरा भी बात नहीं सुनता है। थोड़ा सा घास लेट था वो भी गिर गया। तू क्या कर रहा है खड़े खड़े, चल जा अपना काम कर। तंग कर दिया है मुझे तो। Thank you very much, madam. Hey, mister, ये क्या हरकत है? क्या करता मैं? आप गुस्से में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मुझसे रहा नहीं गया। वैसे एक बात कहूं, इस कैमरे ने हजारों खूबसूरत लड़कियों को शीशे में कैद किया है, लेकिन आप जैसी खूबसूरती आज पहली बार देखी है। तुम क्या समझते हो, तुम मेरी तारीफ करोगे और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? मैं सच कह रहा हूँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ मैं। देखिए आप बहुत खूबसूरत हैं, और अगर आप मॉडलिंग की दुनिया में आ जाएं, तो एक मिनट में सारी मॉडलों की छुट्टी कर सकती हैं। And I can make you a very big model. अच्छा? Yes. My name is विशांत, विशांत नागपाल। आपने मेरा नाम सुना ही होगा। Of course, विशांत नागपाल, वो famous photographer? You're absolutely right. Hi, Anu. I'm Anu Agrawal. Oh, Anu. Nice meeting you. जितना चीखोगी, जितना चिल्लाओगी, जितना तड़पोगी तुम, उतना मुझे मजा आएगा। ये जार धीरे धीरे पानी से भरता जाएगा और पानी मौत बनकर तुम्हें अपनी आगोश में ले लेगा, और तब मुझे मजा आएगा। चिल्लाओ, 36 घंटे हैं तुम्हारे पास। छत्तीस घंटे।
लाश को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है श्रीवास्तव जैसे इसकी मौत भी वैसी हुई है जैसे पिछली तीन लड़कियों की हुई थी, पानी में डुबा के। और इसकी लाश पानी में देर तक पड़ी हुई थी। और यकीनन ये कत्ल भी उसी शख्स ने किया है जिसने पिछली तीन लड़कियों को मारा था। शायद। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आई सर कि ये जो तमाम कत्ल हुए इनके पीछे मकसद क्या हो सकता है, क्योंकि वो जो तीनों लड़कियां मारी गई हैं उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि ना तो उन्हें कोई टॉर्चर किया गया है और ना ही उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती। जुनून श्रीवास्तव, जुनून। कुछ लोग ज़हनी तौर से बीमार होते हैं, पेशा होता है उनका कत्ल करना, शौक होता है उन्हें। This man is sick from his mind, that's it. But sir, सबसे अफसोस की बात यह कि चार कत्ल हो चुके और अभी तक कातिल का पता नहीं लग सका। ये वैशी दरिंदा शहर में अब बहुत देर तक खुला नहीं घूमेगा श्रीवास्तव। बस हमें ये पता लगाना होगा इसका अगला शिकार कौन सा है। हेलो हेलो शालिनी। रजनीश, वेयर द हेल यू आर? मैं पिछले आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आई एम वेरी सॉरी यार, पर क्या करता, गाड़ी खराब हो गई। कम से कम फोन तो कर देते ना। मेरे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। अब देखो, अगर 5 मिनट के अंदर तुम यहाँ नहीं पहुँचे ना तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। नो 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 नो, बी देयर ओनली, मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। ओनली इन 5 मिनट्स, बी देयर, आई एम जस्ट कमिंग। ओके। सॉरी मैडम, बदतमीज, उठा उसे, जाओ यहां से। पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं। हाय, आई एम विशांत नागपाल। आपने मेरा नाम सुना ही होगा। ओह, दैट फेमस फोटोग्राफर। You are absolutely right. I am Shalini. Hi Shalini. Nice meeting you. My pleasure. Mr. Rajneesh, तो आपकी girlfriend Shalini कल रात से गायब है। Yes, Inspector. Very strange, Mr. Rajneesh. कि आपके मंगेतर कल रात गायब हुई थी, रिपोर्ट दर्ज कराने आज आप सुबह आ रहे हैं। कल मुझे लगा कि शायद वो मुझसे नाराज होकर चली गई होगी। मैंने उसके मॉल पे काफी ट्राई किया लेकिन उसका मोबाइल ऑफ था। घर पे फोन किया तो किसी ने फोन नहीं उठाया। बाद में जब मैं उसके घर पहुंचा तो पता चला वो घर नहीं आई है। मैंने सोचा शायद वो अपने किसी फ्रेंड के यहाँ चली गई होगी। उन फ्रेंड से पूछताछ की आपने? ये सुबह से ही कर रहा हूँ, हर जगह पूछा, यहाँ तक कि आसपास के हॉस्पिटल्स में भी इंक्वायरी की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इंस्पेक्टर साहब, हकार कर आपके पास आया हूँ। मिस्टर रजनीश, आपको इस बात का इल्म है कि पिछले दिनों इस शहर में 4 लड़कियों के खून हो चुके हैं। जी मुझे मालूम है इंस्पेक्टर साहब, इसलिए तो डर लग रहा है। जब आखिरी बार शालिनी से बात हुई थी तो शालिनी कहाँ थी? जी रॉयल गार्डन रेस्टोरेंट में, लेकिन पता नहीं अब वो कहाँ होगी। पागल हो तुम, पागल, तुम पागल हो। हाँ मैं पागल हूँ, लेकिन मैं ही क्यों, सारी दुनिया पागल है, ये संसार एक पागल खाना है और मैं तुम्हें इस पागल खाने से मुक्त करना चाहता हूँ। तुम मार क्यों नहीं देते मुझे? आखिर क्यों इस तरह तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हो मुझे? Oh God, please help me, please help me, कोई बचा मुझे, क्योंकि मुझे मजा आता है तड़पा तड़पा कर मारने में, मुझे बहुत मजा आता है। जब तुम जैसी खूबसूरत लड़की चीखती है, चिल्लाती है, सिसकती है,
जिंदगी की भीख मांगती है तो मुझे नशा सा हो जाता है। एक दिन तुम्हारा ये नशा शांत हो जाएगा प्रशांत, और तुम भी इसी तरह तड़प तड़प कर मरोगे और तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं। डार्लिंग मेरी फिक्र छोड़ दो, अपने बारे में सोचो। सिर्फ 12 घंटे रह गए, ओनली 12 आवर्स। उसके बाद ये पानी धीरे धीरे ऊपर और ऊपर और ऊपर आ जाएगा। तुम सांस लेना चाहोगी लेकिन ले नहीं पाओगी, पानी तुम्हारी सांसों के साथ तुम्हारे फेफड़े में उतर जाएगा। तुम चीखना चाहोगी लेकिन तुम्हारी आवाज तुम्हारे हलक में रह जाएगी। बस इसी तरह जिंदगी मौत के आगे घुटने टेक देगी, पर ये सब 12 घंटे में होने वाला है। ओनली 12 आवर्स। कैमरा भी ऑन है, लाइट्स भी ऑन है, बस देर है तो एक्शन की। इसे पहचानते हो? नहीं साहब, कौन है ये? ये लड़की कल आपके यहां इस रेस्टोरेंट में आई थी और फिर अचानक ये गायब हो गई। हो सकता है कि ये यहां से अकेली नहीं गई हो, कोई इसे अपने साथ ले गया हो या फिर किसी ने किडनैप कर लिया हो। आई एम सॉरी सर, एक्चुअली क्या है ना सर, यहाँ इतने लोग रोज आते हैं ना, पर्टिकुलर किसी आदमी को याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए मिस्टर मैनेजर, हो सकता है आप नहीं लेकिन आपके स्टाफ का कोई आदमी, कोई वेटर शायद इस तस्वीर को पहचानता हो। नो चांस सर, फिर भी आप कहते हो तो मैं उन्हें ही बुला लेता हूँ। कृष्णा जरा सबको इधर बुलाना। यस सर। सुनो, तुम लोग इस लड़की को पहचानते हो? नहीं सर। साहब मैं इसे पहचानता हूँ। इधर आओ। हाँ बोल। ये मैडम कल रात को यहाँ आई थी। मेरे हाथ से इनका मोबाइल गिर गया और उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। तेरे को थप्पड़ मारा? और उसके बाद वो लड़की यहाँ बैठी थी या यहाँ से चली गई थी या कोई उसे लेके गया था अपने साथ? जी नहीं, एक साहब आए थे उनके साथ गई। लेकिन कौन था वो, किसके साथ गई? जी मालूम नहीं। उस आदमी का हुलिया बता सकते हो? उसकी आंखें कैसी थीं, कुछ बाल वाल, कुछ बॉडी वॉडी, कपड़े वपड़े कैसे पहन रखे थे? बोले तो साहब एकदम बॉबी देओल जैसा था, बॉडी वॉडी थी, हाथ में कैमरा और चश्मा पहना था। उस आदमी को तुमने इस रेस्टोरेंट में पहले कभी देखा? जी नहीं। साहब तंबी जिसके बारे में बता रहा है मैं उसको जानता हूँ। वो यहाँ कभी कभी आता है होटल में, बस एक ही ऑर्डर देता है, टंगड़ी कबाब। नाम मालूम उसका? साहब नाम तो नहीं मालूम, लेकिन जब दोबारा आएगा तो मैं जरूर बताएगा आपको। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि वो दोबारा यहाँ पर आए और हम उसको पकड़े। ये तंबी को अपने साथ लेके जाओ स्केचिंग आर्टिस्ट के पास। उस आदमी का स्केच बनाने की कोशिश करो, जैसे ये बताता है शायद हमें को सुराग मिल जाए। लेकिन इंस्पेक्टर साहब तब तक तो आदमी कहीं शालिनी को। मिस्टर रजनीश रिलैक्स, हमें अपनी तफ्तीश कर लेने दीजिए। कोई जरूरी नहीं कि उस लड़की को जो कल आदमी लेके गया था वो कातिल ही है, हो सकता है उसकी कोई जान पहचान वाला हो। पहले हमारे स्केचिंग आर्टिस्ट को स्केच कर लेने दीजिए, उसके बाद हम तफ्तीश कर पाएंगे। ओके रिलैक्स। थैंक यू मैनेजर। मोस्ट वेलकम। साहब बोलो। मेरे को इसके घर का पता मालूम है क्योंकि मैं एक बार इसके घर होम डिलीवरी देने गया था। Ha ha ha!
अभी मजा आया ना? नहीं नहीं माँ, नहीं। बिना परमिशन तुम लोग अंदर कैसे आए? शट अप, लड़की कहाँ है? लड़की? कौन सी लड़की? यहाँ कोई लड़की नहीं है। झूठ बोल रहे हो तुम, हमने अपने कानों से लड़की के चीखने की आवाज सुनी थी यहाँ पर। अच्छा, तो तुम्हारे कान बज रहे होंगे इंस्पेक्टर, कोई लड़की नहीं है यहाँ पे। श्वासन, तराजू लो। मैंने कहा कोई नहीं है यहाँ पे। अभी पता चल जाएगा। ड्रग्स भी लिए जा रहे हैं। You wanna try this? Go ahead. Excuse me, sir. यहाँ तो कोई भी नहीं है। सही? चलो सर, वहाँ देखो। लेकिन हमने तो यहाँ चीखने की आवाजें सुनी थी। अच्छा? चीखने की आवाजें सुनी थी। लगता है तुम भी नशा करके आ रहे हो इंस्पेक्टर। सीधे सीधे बता दे, वरना 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 क्या इंस्पेक्टर, वरना क्या? मारोगे मुझे? टॉर्चर करोगे? किस तरह टॉर्चर करोगे? उल्टा लटका दोगे? सूली पर चढ़ा दोगे? वरना वरना चलाई तुमने श्रीवास्तव? सर यह आदमी आपके ऊपर अटैक करने वाला था। So what? तुम अच्छी तरह जानते हो कि सिर्फ इस दरिंदे को पता है कि वो लड़की कहाँ है। अब हमें कौन बताएगा कि वो लड़की कहाँ है? ढूंढ लो इंस्पेक्टर, ढूंढ सको तो ढूंढ लो। सिर्फ 10 घंटे हैं तुम्हारे पास, सिर्फ 10 घंटे। उसके बाद वो वाटर टैंक पानी से भर जाएगा और वो मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। अगर तुमने मुझे 2 सेकंड में नहीं बताया कि वो लड़की तुमने कहां छुपा के रखी है, वो शीशे की वाटर टैंक कहां है, तो मैं तुम्हारा भेजा
माय गॉड। श्रीवास्तव सर, पूरा का पूरा इंजेक्शन इसके शरीर में उतर गया, ड्रग्स ने असर करना शुरू कर दिया। हॉस्पिटल लेके चलो इसे। वक्त गुजरता जा रहा है श्रीवास्तव, अगर विशांत को होश नहीं आया तो उस लड़की तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा श्रीवास्तव। कैसा है मेरा बेटा, कहाँ है मेरा विशांत? आपकी तारीफ। मैं विशांत का फादर नागपाल। तो आप हैं उस पागल लड़के के पिता, जिसके पागलपन ने 3 लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया। और यही नहीं, उसके पागलपन की वजह से आज एक लड़की जिंदगी और मौत के बीच में। विशांत पूरी तरह से निर्दोष है इंस्पेक्टर, दोषी अगर कोई है तो मैं हूं। आज उसकी जो हालत है उसका जिम्मेदार मैं हूं। जब वो सिर्फ 6 साल का था तो मैंने दूसरी शादी कर ली थी और उसकी सौतेली मां ने उस पर इतने अत्याचार किए कि वो और उस घटना के बाद उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। उसे दूसरों को तकलीफ देने में मजा आने लगा और धीरे धीरे यह मजा नशे में बदल गया। 16 साल की उम्र में उसे कत्ल के इल्जाम में जेल भेज दिया गया। कुल 4 महीने पहले वो बाहर आया। और इन 4 महीनों में मिस्टर नागपाल, आपके बेटे ने 4 खून किए। इस वक्त भी एक लड़की उसकी कैद में है, लेकिन हमको यह नहीं मालूम है कि वो लड़की इस वक्त कहां है। वो मुझे जरूर बताएगा, मैं उससे पूछूंगा। जी नहीं, शुक्रिया नागपाल साहब, आप पूछने की जहमत नहीं करेंगे। उसके होश में आते ही हम खुद उससे पूछ लेंगे। आप उससे कुछ नहीं जान सकते। उसने बचपन से इतना टॉर्चर सहा है कि आप उसे कितना भी टॉर्चर करेंगे ना, वो आपको कुछ नहीं बताएगा। जी डॉक्टर, आप कंडीशन कैसी है? ड्रग्स के ओवरडोज के कारण उसकी पूरी बॉडी खराब हो गई है। मतलब? नाउ ही इज इन कोमा। और अब उसे होश आएगा भी या नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता। सर, इस किताब में नाज़ियों के टॉर्चर करने के सारे तरीके लिखे हुए हैं और मेरे ख्याल में ये तरीका भी इस किताब में जरूर होगा। इसका मतलब ये हुआ श्रीवास्तव कि उसने टॉर्चर करने के मकसद से बाकायदा वो शीशे की वाटर टैंक बनाई। बट वो शीशे की वाटर टैंक जिसका आप जिक्र कर रहे हो, उसे रखी कहाँ होगी? सबको समझ में नहीं आ रहा, इस कैसेट में ऐसा क्या है? कोई क्लू? जस्ट मोमेंट श्रीवास्तव, ये इस कॉर्नर में ये पीछे मार्क क्या है? ये गोल सा ये मार्क क्या है? कुछ लिखा हुआ है,
लेकिन पूरी तरीके से क्लियर नहीं है सर ये। राइट, कंप्यूटर पे इसे स्कैन करके एनलार्ज करो श्रीवास्तव, क्विक। इससे ज्यादा क्लियर पिक्चर मिलना मुश्किल है सर, और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि बना क्या हुआ है। लेकिन अगर गौर से देखिए तो गोला और उसके अंदर डबल एस, सर इससे मोनोग्राम, ये किसी कंपनी का मोनोग्राम लगता है। ये कंपनी का मोनोग्राम या फिर किसी प्रोडक्ट का इनिशियल। बट सर डबल एस नाम से तो सैकड़ों कंपनियां हो सकती हैं, और अगर हम चाहें तो रजिस्टर ऑफ कंपनी से उनके एड्रेस हमको मिल भी सकते हैं। अगर ये कंपनी रजिस्टर्ड है तो। बट सर इस वक्त तो रजिस्टर ऑफिस भी बंद होगा, इस वक्त कुछ भी पता लगना नामुमकिन है। श्रीवास्तव मैं ये जानता हूँ कि इस वक्त रजिस्टर्ड ऑफिस बंद होगा, लेकिन वक्त हमारे पास भी नहीं श्रीवास्तव। हमें बहुत जल्द कुछ ना कुछ करना होगा। वी मस्ट डू समथिंग इमीडिएटली। व्हाट, आपका दिमाग तो ठीक है इंस्पेक्टर? आप आधी रात को मुझे जगाकर यह पूछने आए हैं कि यह मोनोग्राम किस कंपनी का है? किसी की जान बचाने के लिए अगर मुझे इस देश के प्रधानमंत्री का दरवाजा खटखटाना पड़े आधी रात को तो मैं खटखटाऊंगा। किसी की जान आपकी नींद से प्यारी नहीं है मिश्रा साहब, यू अंडरस्टैंड? ठीक है, मैं ऑफिस जाकर पता लगाता हूं। यस, एसएस मिल्स, मैसेज सनशाइन मिल्स, आज से 10 साल पहले यह मिल जल गई थी, अब तो इस मिल के सिर्फ खंडहर ही बचे हैं। सनशाइन मिल्स, आप लोग भी कमाल है, मरे वो आदमी पे पैरा लगा दिया मेरा। बोलो Sunshine Mills। हमारे पास सिर्फ 2 घंटे का वक्त है सर, और इस 2 घंटे में इतनी बड़ी मिल को सर्च करना इट्स इम्पॉसिबल। आई डोंट केयर श्रीवास्तव, और पुलिस का बंदोबस्त करो, लेकिन इस लड़की को किसी भी कीमत पे हमें ढूंढना है। कम में कमाल, Thank you.
अरे नहीं, बचाओ बचाओ। शालिनी जी हिम्मत मत हारिए, मैं आ गया हूं, मैं आपको यहां से बाहर निकाल दूंगा। शालिनी जी प्लीज श्रीवास्तव, सर श्रीवास्तव ये चारों तरफ से बंद है, श्रीवास्तव ये ऊपर से भी बंद है। सबसे पहले हमें ये पानी बंद करना पड़ेगा। श्रीवास्तव देखो आसपास में कहीं वॉल्व नजर आ रहा है, वॉल्व। सर यहां कोई वॉल्व नजर नहीं आ रहा है, सर पीछे जाके देखो, पीछे जाके देखो। ठीक है सर। श्रीवास्तव पानी और बढ़ गया है। ये वॉल्व मिल तो गया लेकिन काम नहीं कर रहा है सर। एक मिनट शाली जी, एक मिनट, जस्ट रिलैक्स। शाली जी आप बिल्कुल नहीं हिलना। अब आपको इस वाटर टैंक से बाहर निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे वाटर टैंक में शूट करना पड़ेगा। तो बी अलर्ट। श्रीवास्तव नहीं इंस्पेक्टर भारत, मैं हूं विशांत। कोई गोली नहीं चलाएगा, डोंट शूट। विशांत तुम? हाँ मैं। वैसे इंस्पेक्टर तुम यहां तक पहुंच ही गए, नॉट बैड एट ऑल। लेकिन इस लड़की को बचा नहीं पाओगे तो, क्योंकि ये मेरा शिकार है। जी हाँ शालिनी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन अगर इसे एक प्यार करने वाली मां मिल जाती तो आज यह ऐसे नहीं होता, क्योंकि मां की ममता और मां का प्यार ही एक ऐसी चीज है जो इंसान को इंसान बनाती है। मां ही समाज को एक बेहतर भविष्य दे सकती है, सिर्फ मां।